नकली घी, करियाने का सामान, मिठाइयां व अन्य सामान बेचने की शिकायतें मिलने पर रविवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में गन्नौर शहर में छापेमारी की गई, जिसमें दो दुकानों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर जाने लगे। तीन चार सैंपल्स ले चुके हैं और अभी देर शाम तक सैंपलिंग जारी रहेगी और एक मिष्ठान, शुद्ध मिष्ठान भंडार में मक्खी और मच्छर पाए गए, उसके रसगुल्लों में उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करा दिया गया और सैंपल भी लिए गए और एक नमक का सैंपल लिया गया है और मिठाइयों की शॉप से सैंपलिंग जारी है और आगे सभी को निर्देश दिए गए हैं बेस्ट बिफोर लगाने के लिए और बहुत सारे व्यापारी दुकानदारों के पास यह लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको इताते जारी की गई है जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराएं नए एक्ट के तहत। सर कब तक ये अभियान जारी रहेगा? ये चलता ही रहेगा जब तक समय समय पर, अभी तो हमारा फेस्टिव सीजन जारी है, मिठाइयों के ऊपर जोर है, इसके बावजूद भी हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, सब लोगों को जागरूक करेंगे सफाई के प्रति, नए नियमों के प्रति और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के प्रति, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।